today we will discuss some questions based on one one on 2 functions our first question is let a be the set of all 30 students of class in a school a set hai 30 students ka class ke let f of a to n be a function defined by fx is equal to roll number of the student x show that f is one one but not one-two. function defined hai a se n tak एफ एक्स क्या है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स शो दैट एफ इज वन वन बट नोट ओन टू हमें शो करना है कि फंक्शन वन वन होगा ओन टू नहीं होगा वी हैव एफ ऑफ ए टू एन वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स इट इज नोन फैक्ट दैट नो टू डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लास कैन हैव द सेम रोल नंबर यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट का रोल नंबर भी क्या होगा डिफरेंट होगा कोई क्लास के दो स्टूडेंट हो तो उनका रोल नंबर एक तो नहीं हो सकता तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा वन वन होगा बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैव द डिफरेंट रोल नंबर और वन वन भी क्या कहता था डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस तो फंक्शन क्या हो गया वन वन फर्दर इफ द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम वन टू थर्टी रोल नंबर वन टू थर्टी हैं स्टूडेंट के लेकिन सेट की कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर तो उसके बाद भी होते हैं थर्टी वन थर्टी टू सो ओन बिलोंग्स टू एन आर नोट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो इनकी कोई प्री इमेज ए में एग्जिस्ट नहीं करेगी दीज नंबर्स डू हैव एनी प्री इमेज इन द सेट ए इन नंबर्स की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी हैंस बाई डेफिनेशन एफ इज नॉट ओन टू इसलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑन टू नहीं होगा क्योंकि ऑन टू क्या कहता था कि एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन को डोमेन के हर एलिमेंट की ए में जो डोमेन है उसमें प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए लेकिन यहाँ पे थर्टी वन थर्टी टू इनकी तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही क्योंकि ए का सेट तो थर्टी तक है और नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का सेट तो उसके आगे भी है थर्टी वन थर्टी टू सो ओन तो ये क्या होगा ओन टू नहीं होगा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो द फंक्शंस एफ ऑफ एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है गिवन बाय एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन यहाँ पे दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है वन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन फंक्शन डिफाइन कर रखा है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर दैन टू एक्स की वैल्यू टू से ज़्यादा है इस ओन टू बट नॉट वन वन ये फंक्शन ओन टू होगा लेकिन वन वन नहीं होगा हेयर इट इज गिवन दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है दैट इज टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव सेम इमेज दो डिफरेंट एलिमेंट की एक ही इमेज है दस एफ इज नॉट वन वन तो ये फंक्शन क्या होगा वन वन नहीं होगा क्योंकि वन वन तो ये कहता था कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होने चाहिए लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ गई तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एन सच देट वाई नॉट इक्वल टू वन देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इट इम्प्लाइज ये फंक्शन दे रखे इसे वाई के इक्वल पुट करेंगे जब एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वाई प्लस वन अब इसकी हम चेक करते हैं कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं इसे फंक्शन में पुट करते हैं एक्स की जगह पे वाई प्लस वन तो वाई प्लस वन माइनस वन वन से वन कैंसिल हो गया क्या आ गया वाई तो डज एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन बिलोंग्स टू तो नेचुरल नंबर हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन को तो डोमेन के हर एलिमेंट की डोमेन में इमेज एग्जिस्ट प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो ये फंक्शन वन वन हो गया आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ ऑफ एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे सेट डिफाइन है बाय इज़ इक्वल टू एक्स है 2x है। इज वन टू वन बट नोट ऑन टू ये फंक्शन वन वन होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा वेयर एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर जहां पे एन नेचुरल नंबर का सेट है लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू एन एक्स वन एक्स टू एन से बिलोंग करता है अब यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे एक बार x1 वन पुट करेंगे और एक बार x2 टू पुट करेंगे एफ ओफ एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स वन एंड एफ ओफ एक्स टू इज इक्वल टू टू एक्स टू अब फंक्शंस इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या होगी इक्वल होगी गई एफ ओफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स टू इम्प्लाइज टू एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू टू से टू कैंसिल क्या आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अब फंक्शंस इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या आ गई इक्वल आ गई तो फंक्शन क्या हो गया वन वन हो गया नाउ फॉर वन बिलोंग्स टू एन इट्स प्री इमेज वन बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू एन ये फंक्शन है टू एक्स इसके इक्वल अगर हम वन रखें नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं हमने वन रख दिया एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन बाई टू आ गई तो ये वन बाय टू नेचुरल नंबर नहीं है तो वन बाय टू की कोई भी प्री इमेज एक्जिस्ट नहीं करेगी तो ये फंक्शन क्या होगा ओन टू नहीं होगा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई डिफाइन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स एक्स की वैल्यू है वन टू थ्री एंड वाई की वैल्यू है फाइव टेन फिफ्टीन इज बोथ वन वन एंड ओन टू हमें बताना है कि ये वन वन भी होगा और ओन टू भी होगा वन वन की डेफिनेशन क्या होती है डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस या फिर नो एलिमेंट ऑफ सेट वाई हैज मोर देन वन प्री इमेज वाई के एलिमेंट्स की एक्स में एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए तो फंक्शन क्या होता है वन वन होता है ऑल्सो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन भी क्या हो चुकी है इक्वल तो फंक्शन क्या होगा ओन टू फंक्शन क्या दे रखा था एफ एक्स तो एक्स की वैल्यू है वन टू थ्री एक्स की जगह पे जब हमने वन पुट किया तो फाइव मल्टीप्लाई वन कितना आ गया फाइव फाइव मल्टीप्लाई टू कितना आ गया टेन फाइव मल्टीप्लाई थ्री कितना आ गया फिफ़्टीन तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन टू थ्री और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई फाइव टेन और फिफ्टीन तो वन की इमेज फाइव टू की टेन और थ्री की फिफ्टीन तो डिफरेंट एलिमेंट्स की यहाँ पे क्या इमेज आ रही है डिफरेंट और वाई के हर एलिमेंट की एक्स में एक इमेज प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो ये फंक्शन क्या होगा वन वन भी होगा और ओन टू भी होगा तो हम इसे कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो वन वन भी हो और ओन टू भी हो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं थैंक यू